ओम शांति। आज की तारीख है 19/3/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न है, ये बेहद का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? उत्तर है वर्षा और श्राप। अब वर्षा किसका, श्राप किसका, आइए सुनते हैं। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देते। ये बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, फिर सुख का पाठ बजाया। हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने और अब ब्राह्मण बन देवता बन रहे हैं। गीत। ओम नमः शिवाय पितु मातु सहायक स्वामी सखा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। नंबर दो, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान सतगुरु बाबा का, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की वधाइया मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। मीठे मीठे रचयिता बाप कहते हैं कि संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है और वरदान भी मिले हुए हैं। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमज रख कर हर कदम को उठाओ। अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की वधाइयां मनाओ तो माया विदाई ले लेगी। नॉलेज के आईने में देखो कि आप इस घड़ी विनाश हो जाए तो सोचो क्या बनेंगे। ये सोचो कि विनाश अगर सामने आ गया तो मैं इस घड़ी क्या बनूंगी। स्लोगन, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।